नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल गुप्ता, प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल जीएमसी जम्मू। आज हम बात करेंगे रेमसिलिविर ड्रग के बारे में, जिसका उपयोग कोविड पेशेंट्स में मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स में होता है। रेमसिलिविर एक एंटीवायरल ड्रग है जो इबोला वायरस के लिए यूज की जा चुकी है। अब हम इसका उपयोग कोविड पेशेंट्स में भी यूज कर रहे हैं। मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से कि आप रेमसिलिविर घर पे नहीं लगाएं, ना ही इसको होल्ड करें, क्योंकि ये मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स के लिए यूज होता है, माइल्ड पेशेंट्स के लिए यूज नहीं होता है, और इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं जो मॉनिटर करना जरूरी है। तो प्लीज आप इसको हॉस्पिटल में ही लगवाइए। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये दवाई हमारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। दूसरी बात हम करेंगे आज सेल्फ मेडिकेशन पे। एक साल से इस पैंडेमिक में काफी लोगों ने अब सेल्फ मेडिकेशन की है और बहुत सी दवाइयां अननेसेसरी खाई हैं, जिसका कोविड में कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आप अपने घर पे पल्स ऑक्सीमीटर से और थर्मामीटर से बुखार और पल्स सैचुरेशन नोट करते रहेंगे। कभी भी आपकी सैचुरेशन 90 और 94 के बीच में रहे तो आपको थोड़ा सावधान होना है, और अगर वो सैचुरेशन 90 से नीचे फॉल कर जाए तो तुरंत आपने हॉस्पिटल में आके डॉक्टर्स को दिखाना है। सेल्फ मेडिकेशन में सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है दवाइयों का, वो है स्टेरॉइड्स। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टेरॉइड है, अगर आप इनिशियल फेज में यूज करेंगे, इससे आपको नुकसान ज्यादा होगा और बेनिफिट कम होगा। तो प्लीज आप डॉक्टर की कंसल्टेशन लीजिए। हमारी गवर्नमेंट ऑफ यूटी ने ऑनलाइन और टेलीफोनिक कंसल्टेशन की सुविधा है, 24 आवर हेल्पलाइन नंबर है, जो नंबर है वो 0191-2571-616 है। कोई भी कोविड रिलेटेड आपको किसी चीज की जानकारी चाहिए, दवाई रिलेटेड कोई आपको डाउट है, तो प्लीज आप इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।